बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था वो काम मुसलमानों ने नहीं किया, आज गैर मुस्लिमों के आप मोहताज हो चुके हैं। और इसी के पेशे नज़र जो इन्फॉर्मेशन वो रिलीज़ करेंगे, या तो आप उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनसे ज़्यादा आगे जाए, या फिर आप उनके मुकाबले की इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ और अपना नेटवर्क कायम करें, या उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप जब इक्तदार छोड़ने वाले थे, उनके आखिरी दिन थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैंने जो फाइल्स पढ़ी हैं UFO की, यानी जो एलियंस के हवाले से, दूसरी मखलूक के हवाले से, जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे पता है असलियत क्या है, मैंने वो फाइलें पढ़ी हैं, CIA की वो फाइलें देखी हैं, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि इनकी असलियत क्या है। अब आप ये देखें कि CIA के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं और उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और उसके साथ हाइम अशद, ये बेसिकली इसराइल के स्पेस प्रोग्राम के फॉर्मर हेड हैं, जो 30 साल तक इनके हेड रहे, काम करते रहे वहाँ पर पूरी तरह। इन्होंने इनकशाफ किया है जो दिल दहला देने वाला है। इसके बाद CIA के डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। इसके बाद सूरत हाल सामने आई है कि इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करने जा रहे थे कि अमेरिका ने एलियन से रابطہ कायम कर लिया है, उनके साथ मामला तय हुए हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्क्लोज करने वाले थे, लेकिन एलियंस ने इनको रोक दिया है। इस चीज़ को आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें। देखिए, एक तो ये जो एलियन की शक्ल है, ये आपको और हमें दिखाई है, असल में एलियन का मतलब ये है कि कोई भी खलाई मखलूक या कोई ऐसी मखलूक जो इंसानों के पार किसी प्लैनेट पर रहती हो, किसी और जगह पर हो। सूरत हाल ये है कि चूंकि आज तक एलियन के बारे में हमने जो भी देखा, जो मामला हुए, वो सारे के सारे इस तरह थे कि हमने जो शक्ल उन्होंने दिखाई, हमने उसको मान लिया और हमारे दिमागों में भी एलियन का वही तस्वुर है और वही शक्ल है। वो कहते हैं कि असल में मार्स के ऊपर एलियन से रابطہ हुआ अमेरिका का, और अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे एलियंस के बारे में, क्योंकि एलियंस ने ट्रंप की हुकूमत को मना किया है कि आपने इंफॉर्मेशन दुनिया के अंदर डिस्क्लोज नहीं करनी, क्योंकि ह्यूमैनिटी अभी तक इस काबिल नहीं हुई, या अभी तक उनकी सोच उतनी नहीं आई कि दुनिया को बता सके। एक चीज़, दूसरी चीज़ देखिए कि इन्होंने अपनी हालिया जो किताब है उसके अंदर भी ये सब कुछ बातें की, और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ पता था, CIA को पता, और उनका एलियंस के साथ रابطہ है। वो उस रابطے के बाद उनका एक एग्रीमेंट हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर दुनिया में आके, और NASA और ये तमाम जितने इदारे हैं ये मार्स पर जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसी के पेश नज़र आप जानते हैं कि अभी मार्स का मिशन गया है वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर जाकर, आपको हकीकत टीवी ने वीडियो भी बनाकर दी, जो पहला साउंड था मार्स के ऊपर, जो जिस तरह की आवाज़ आ रही थी वो भी आपको सुनवाई और बताया स्पेस मिशन क्या है, ये चीज़ें क्या। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, इंसानों के अलावा इस दुनिया के अंदर एक और मखलूक या कई तरह की मखलूक है। इस बारे में आपको इस तरह समझना होगा कि इस्लाम से हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, ईवल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, इवन के इंसानों की दुनिया पर आने से 2000 साल पहले यहाँ पर जिन्नात आबाद है। अहादीस में, तफसीर में हमें तफसीली इसका जिक्र मिलता है, और कुरान मजीद में जिन और ये तमाम चीज़ों का जिक्र मिलता है। अब असल में जो ये एलियंस की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी मखलूक हो सकती है जो आपकी इन आँख से नज़र नहीं आती, या अनटिल के अल्लाह पाक किसी को ऐसी पावर्स दे कि वो देख सके, क्योंकि वो पर्दा हायल हो जाता है। अब इन्होंने किन के साथ रابطہ किया, ये गलत हैं, सच हैं, क्या है, आपको किसी की भी थ्योरी रिजेक्ट करने के लिए आपको उस मकाम पर जाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि इसराइल की स्पेस प्रोग्राम का जो फॉर्मर हेड है, याद रखिएगा, इसराइली वो हैं जो स्टिल उनके रब्बी आज तक दावा करते हैं कि हमारा मसीहा के साथ रابطہ है, यानी जिसको हम दज्जाल कहते हैं,
और अहादीस में तो क्लियरली हमें जिक्र मिलता है कि उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और गुफ्तगू का भी आपको पता है अहादीस में मिलता है कि किस तरह तमाम चीज़ें, यानी वो है, एग्जिस्ट करता है, वो जंजीरों में जकड़ा है, ये तो अहादीस से क्लियरली वाजह है और आप सब जानते हैं। अब किसके साथ रابطہ हुआ, इसी तरह कोई दूसरी मखलूक है, जिन्नात है, फरिश्ते हैं। देखिए आप जानते हैं कि बहुत सारी जगह दुनिया के अंदर जो प्लैनेट्स हैं ये अल्लाह पाक ने बगैर किसी वजह के नहीं बनाए। अर्थ को अगर आप देखते हैं तो वो तो एक छोटा सा प्लैनेट्स है, कई लाइट ईयर्स, कई लाख लाइट ईयर्स चाहिए आपको दूसरे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ये बेशुमार दुनिया को देखने के लिए। क्या अल्लाह पाक ने सिर्फ अर्थ बनाई है जहाँ पर इंसान एग्जिस्ट कर सकता है? मार्स के ऊपर ये गए हैं, और मार्स के ऊपर देखिए ऑलरेडी हकीकत टीवी आपको तफसीली वीडियो बना चुका है कि यहाँ पर अक्वाम साइंटिस्ट कहते हैं कि एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पर जंगें हुई, उसके बाद मार्स का मरीख का इन्वायरमेंट इस तरह का बदल गया है कि आज वहाँ पर कदम रखना मुश्किल है। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के फॉर्मर हेड ने, हम ये नहीं कहते कि आप इसकी बात पर पूरा यकीन करें, ये डिसइंफॉर्मेशन भी होती है, ये इनका तरीका होता है, लेकिन आपके पास बेहतर थ्योरी, एविडेंस, कुरान मजीद से आप साबित करें, साइंस के हवाले से आप साबित करें, आपको दुनिया को नई थ्योरी देना पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट करे। ये दुनिया के अंदर चीज़ रहती है, और आप एक सी बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि कयामत आने से पहले पहले इंसान ने हर चीज़ की जो इंतहा होती है यहाँ तक पहुँच जाना है। देखिए सबसे खूबसूरत तरीन वाक़या जो इंसानी तारीख और साइंस भी जिस पर हैरान रहे, हमने कभी उस पर बात नहीं की, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र करना बुराक के ऊपर। इतनी बेहतरीन रिसर्च हो सकती है इसके ऊपर साइंस के हवाले से पहलू के, आप ये देखें कि अहादीस में यहाँ तक जिक्र है कि बुराक की स्पीड इतनी है कि अगर वो जी यानी एक निगाह उसकी ज़मीन पर हो तो वो अगले सेकंड में उसकी निगाह आसमान पर हो, तो इतनी स्पीड से वो ऊपर जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दुनिया सुनना चाहती है कि अगर इतनी स्पीड से इंसान जाए तो उसका मास तो बॉडी का ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा तो वो बचेगा नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज के ऊपर सफ़र है, ये इंसानी तारीख में ऐसी डेवलपमेंट कभी हुई ही नहीं। हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमें रिसर्च करके दुनिया को साबित करनी है। इससे बेहतरीन साइंस की थ्योरी नहीं हो सकती, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं, हम अय्याशियों में पड़े रहे, अल्लाह ने हमें तेल दे दिया, हम तो एक जान थे, क्या अरब, क्या अजमी, क्या गैर अरब, क्या गैर अजमी, ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि खुतबा हज्जतुल विदा में क्लियरली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि तुम चाहे कोई अरब हो या अजमी हो, किसी को फोकियत नहीं काले या सफ़ेद के ऊपर, सिर्फ एक मयार है जिस पर अल्लाह ने परखना है, वो है तकवा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में बार बार कहते हैं कि आप रिसर्च करें, गौर और फिक्र करें। आज आप देख लें ट्रंप के हवाले से जो बात की गई है, आप क्या थ्योरी को झुठला सकते हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आपको चाहिए आप अपना मिशन भेजें। इतनी मुसलमानों के पास दौलत है, आपने जो स्विस बैंक भरे हुए हैं, आपने जो अमेरिका या अरब ममालिक ने जो इतना पैसा ज़ाया किया, अगर हम उस पर काम करते तो आज देखते हम कहाँ पर पहुँच गए। लिहाजा लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक अब वो कह रहे हैं कि मार्च के ऊपर रब्ता करेंगे, और कुछ साल बाद जब दुनिया को बताते हैं कि हम चीज़ें लेकर आएंगे तो इंसानी तारीख दंग रह जाएगी। आने वाला वक्त क्या है? आज आपको तरक्की करनी है तो साइंस को अपनाना पड़ेगा, और कुरान मजीद से बेहतर साइंस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।